गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों को? और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए दिन की। मैं हूँ अभी अपने घर पे और अभी जा रहा हूँ मैं पानी के लिए नीचे। हमारा पानी थोड़ा सा दूर पे है रोड पे, जिस रोड को मैंने शायद आप रोड में आपको शायद दिखाया भी होगा, उस नीचे रोड में हमारा धारा है और वहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ से करीबन करीबन 10 मिनट का, 10 मिनट नहीं मतलब 5 मिनट में आप बोलो, 5 मिनट में आप धारे पे पहुँच सकते हो। और फिर धारे में आपको वेट करना पड़ता है भाई, बहुत भीड़ होती है और बहुत वेट करना पड़ता है वहाँ पे रुक के, क्योंकि आजकल जो नहर का पानी है ना वो भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ ना एक नहर का पानी है जिससे हम खेतों में पानी वानी ले जाते हैं, तो आजकल ना वो भी नहीं आ रहा है। और अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर वो बोलते हैं ना, वो स्रोत जो है ना वो धारे से लेके जब धारा आता है तो उसकी वजह से धारा मोटा आता है ऐसा बताते हैं। पर अब देखो पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं है। ये पीछे हमारे बकरी, एक ही बकरी है बस हमारे पास, इसे में टाइम पास होता है मम्मी का। तो और यहाँ पर है ये एक पेड़ है, इस पेड़ पे ये लौकी की जो बेर है, बेल, ये पूरी इसमें फैली हुई है और इसमें एक भी लौकी नहीं लगी हुई है, एक भी नहीं लगी हुई है पर फैली हुई है। और ये यहाँ पे ये इतना सा इतना बड़ा पेड़ है, जो ये पेड़ है कटहल का, इस पे कटहल थे जब मैं घर आया था ना, तो 2 बार की कटहल तो मैंने भी खाया है इसमें। और कटहल की सब्ज़ी यार बहुत मज़ा आता है, कटहल की सब्ज़ी खाने में। उत्तराखंड में जो लोग होंगे, जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि कटहल की सब्ज़ी कितनी फेवरेट होती है, और उनकी किसी की भी मतलब अच्छी लगती है अगर अच्छा बना रखा है तो। मेरी तो फेवरेट है भाई, आप लोगों का है कि नहीं है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो चलते हैं, थोड़ा सा अपडेट था आप लोगों के लिए कि बहुत दिन हो गए ना आप कुछ वीडियोस नहीं आ रही है, थोड़ा फ़ोन ख़राब था तो थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया था। और बीच में अभी थोड़ा एक दो दिन थोड़ा काम ज़्यादा था तो उसकी वजह से मैं वीडियो वैसे भी नहीं बना पाया था। तो आज अभी चल रहे हैं बर्तन को लेके धारे पे, पानी ले आऊँगा ना अभी थोड़ा, जब घर में होता हूँ तो थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। वैसे आज संडे है तो कर लेता हूँ काम, संडे सैटरडे संडे को बना था, और टाइम पे फिर थोड़ा ऑफिस का काम भी हो जाता है इसलिए जा नहीं पाता हूँ। लेकिन अभी तो चलते हैं। ये हमारा गुड़हल का पेड़ है पीछे, बहुत हरा भरा हो चुका है। और क्या बताऊँ फिर, ये जो रास्ता है ये देखो, ये पूरा रास्ता इतना बिल्कुल इतना वैसा हो गया बारिश की वजह से, बिल्कुल ऐसा फिसलने टाइप का हो गया ना कि अगर किसी का पाँव थोड़ा सा फिसल गया तो टूट ही जाएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ हो गया है। तो आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को जो ना हमारी जो वीडियो है गांव की, जो वीडियोज़ में जो गांव में जो ये शूट कर रहा हूँ अभी, आपको अच्छा लगता होगा ऐसा कुछ। भाई मुझे तो अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे ना लगे वो आपके कमेंट बताएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।